when there's no more hope is left in me, I can see what comes my way and I'm away. This is Ta-Ta-Ta time. Welcome दोस्तों, welcome to the YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग और कैसी हो रही है पतंगबाजी? जनाब यहाँ तो चल रहा है सीज़न, कुछ लॉकडाउन का इम्पैक्ट, बच्चे बूढ़े सब उड़ा रहे पतंगबाजी. तो जब भी हमें मिलता है मौका, हम भी करते हैं खूब दबा के पतंगबाजी. वैसे डेली मिलता है मौका तो शाम को 4 बजे के आसपास अपने करने वरने और डिसाइड करते हैं कि कौन सी डोर उड़ाएंगे आज हम. उसके साथ थोड़ा सा हवा का भी देखते हैं कि हवा अगर ज़्यादा तेज़ है तो आज C28 या हैमर को ट्राई किया जाए, अदरवाइज़ नॉर्मल 1-2-3 और रॉकेट. बट 1-2-3 ज़्यादा उड़ाता हूँ मैं आजकल. तो अपने को मौका मिलना चाहिए, बस 4-4:30 चढ़ते हैं अपना छतों पर, पतंगों के कन्ने बांधते हैं, थोड़ा सा माहौल देखते हैं. जैसे मतलब पतंग उड़ना शुरू हुई तो आपका भाई भी अपनी मांझा सद्दी पतंगे लेके पहुंच जाता छत के ऊपर और टॉप फ्लोर पे खड़े होकर फिर शुरू होता है वो काटा. तो आप लोग बताइए दोस्तों, आपकी कैसी चल रही है पतंगबाजी? अगर आप लोग भी ऐसे इंजॉय करें तो प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज, शेयर योर वीडियोज़ दोस्तों. और जहाँ पर नहीं हो रही पतंगबाजी तो आप माइंड ना कीजिए दोस्तों, आपके लिए हम वीडियोज़ कर रहे हैं, रिव्यूज़ कर रहे हैं मांझों का. तो जब आपके पास सीज़न आया तो आप उससे पहले एक अच्छा कलेक्शन मांझों का बना सके और अपने सीज़न में दबा के पतंगबाजी करें और अपने रिव्यूज़ शेयर करें. बाकी दोस्तों अभी बीच में देखा कि काफ़ी लोगों ने शिवा भाई हैदराबाद से, उन्हें अपनी पतंगों का कलेक्शन और बताया कौन से मांझे छतों के लिए अच्छे हैं. सनी भाई ने बताया जयपुर से कि उनके पास अदनान भाई की कौन कौन से ब्लॉक है और कितने अच्छे हैं. विकास भाई ने बताया बरेली लॉइन के बारे में, रुपेंद्र भाई ने बताया शवेश भाई के बारे में. तो बहुत बहुत मतलब ज़बरदस्त मज़ा आ गया दोस्तों. अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कुछ रिव्यूज़ हैं, ऐसे कुछ एडवाइस या कुछ आप बताना चाहते हैं लोगों को थ्रू आपके अपने चैनल जिसका नाम है पतंगबाजी विद सनी, आप अपना वीडियो बनाइए, अपना मैसेज जो भी है, जो भी रिव्यू करना चाहते हैं पतंगों के बारे में, मांझों के बारे में, मुझे बताइए एंड वी विल डेफिनेटली अपलोड करेंगे उसको. आप और हम मिलके उसको चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसको वीडियो को अपलोड करेंगे ताकि दूसरे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल सके. बाकी दोस्तों चलते हैं अपने ब्लॉग की ओर. स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पतंगबाजी विद सनी, जहाँ पे हम रिव्यू करते हैं किसका, अच्छी मांझों का, अच्छी पतंगों का और डिस्कस करते हैं क्या पतंगों के बारे में. जी हाँ दोस्तों, तो आज वही अपनी 1-2-3 की सीरीज एंड उस सीरीज में हम लेके आए बहुत ही खास मांझा जो हमारे AH जाफरी भाई का मांझा है. लोग जानते होंगे इनको, काफ़ी पुराने कारीगर है. ऐसे पुराने बोल तो बहुत ही पुराने कारीगर है, उस टाइम के कारीगर है दोस्तों जब बोलते थे कि बरेली में ना कि गिने चुने कारीगर हुआ करते. तो आज तो बहुत है यार, 50,000 कारीगर हैं. बट उस टाइम पे कुछ कहते ना कि एक टाइम था कि जब कहते ना कि एक स्टार्टिंग का टाइम लगा लीजिए, तो पुराने उस्ताद हैं ये भी, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. मैं आपको पूरा बताऊँगा मांझे के ऊपर, बल्कि एक छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ जो जाफरी भाई ने स्पेशल बनाया था हमारे लिए. थोड़ा बहुत वो बता रहे हैं किस तरीके का मांझा है, बाकी मैं बताऊंगा इस मांझे के बारे में और क्या प्राइस है और इतनी बढ़िया चीज़ इतने अच्छे रेट में मिल रही है, आप लोग भी सरप्राइज होंगे. तो बने रहिए सर वीडियो पे, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के ऊपर. काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि भाई ऐसी चीज़ भी इतने रेट में मिल सकती है क्या, और डेफिनेटली मिल सकती है क्योंकि तो हमारे पास है तो आपको ही मिल सकती है. तो एक छोटा सा वीडियो जाफरी भाई की तरफ से, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ. आज हम सनी भाई के लिए डोर बना रहे हैं, गुड़गांव जाएगी ये डोर. देखिए शानदार कलर है और बहुत ही लाजवाब तरीके से मांझा सुथरा है. भाई के लिए स्पेशल लच्छी तैयार की है ये. ये हमारे छोटे भाई मांझा तैयार कर रहे हैं और देखिए मैं इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ आपको. अभी ये डबल कोट हुआ है, इसमें कंप्लीट होने के बाद मैं फिर दिखाऊंगा आपको. बल खुली डोर है ये,
इसकी मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगा। हमारे छोटे भाई हैं ये सनी भाई, ये गुड़गांव के लिए डोर तैयार हो रही है। ये देखिए आप। तो दोस्तों स्वागत है आपका वापस से चैनल पर। आपने देखा जाफरी भाई डोर लगा रहे थे। तो दोस्तों जो डोर का आज हम करने वाले हैं ना रिव्यू, बड़ी ख़ास डोर है। ख़ास किस लिए, ये लच्छी भी है, ये डबल कोट भी है और ये बल खुला भी है और इसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको बोल सकते हैं एक किफ़ायती डबल कोट बल खुला लच्छी मांझा। दोस्तों जी हाँ, किफ़ायती डबल कोट बल खुला लच्छी मांझा हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों अभी मैंने शाम को एक डालता वीडियो, इस मांझे को मैं 3 दिन से उड़ा रहा हूँ और अभी तक 3 दिन में कुछ 24 पेज हमने काटे हैं, फंसा के खींच मार के नहीं दोस्तों, ध्यान रखना। और 3 कटी हैं, 3 कैसे कटी हैं मैं बताऊंगा आपको आगे। पहले करते हैं अनरैप, ताकि आपको दिखाते हैं मांझा और रिव्यू करते हैं इसका डिटेल में। तो कुछ इस तरीके से चरखी आई थी हमारे पास, ये इनका रैपर जिस पे लिखा हुआ एच जाफरी, फ़ोन नंबर दिख रहा है नहीं दिख रहा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसको अनरैप करते हैं। ये देखिए कुछ एच जाफरी जी का बैजिंग लगा हुआ है फ़ोन नंबर के साथ, बहुत ही पुराने कारीगर है दोस्तों, बहुत ही पुराने कारीगर। और कुछ इस तरीके से निकल के आती है चरखी। ये यूज़ हो चुका है 3 दिन से, लेकिन ये मैं जैसे आपको बताया था पहले भी, मैं संभाल लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसके आते हैं अंदर के जो रैपर्स बोल लीजिए, स्टिकर बोल लीजिए, जिस पर आप देख सकते हैं ये लच्छी का मांझा है। 1000 गज जो होता है आपका 900 मीटर के आसपास, एच जाफरी जी लिखा हुआ है स्पेशल मैदानी मांझा, और उनका एड्रेस फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही प्यारी लगती है मुझे इस तरीके से, ये जो बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग है, बहुत प्यारी प्रिंटिंग है ये। और ये 1-2-3 की डोर है दोस्तों, अगेन बता रहा हूँ, फिर से पहले बताया था लेकिन 1-2-3 की डोर है। चरखी देखिए, बहुत ही प्यारी चरखी लगाई थी, बहुत अच्छी हैवी चरखी है ये। और सबसे बड़ी बात कलर, कलर एक नंबर, मतलब बहुत ही प्यारा कलर, लच्छी का कलर जो होता है वो कलर है ये। और क्या मतलब कहते हैं ना भाई इस मांझे की, यार मैं तारीफ़ ये करूँगा, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि जो अपने पुराने मेकर है ना, जो वो चिकनापन दे सकते हैं ना, आज के मेकर भी देते हैं नो डाउट, और चलती भी उनकी डोर, ऐसी बात नहीं है, बट वो एक डिफरेंस है यार। मतलब ये वो चिकना, इस डोर में वो चिकनापन है, इसको हाथ लगाओगे ना आपको लगेगा कि भाई किसी रेशम के गद्दे पे ना, मतलब रेशम का कपड़ा पकड़ लिया, इतनी चिकनी डोर है दोस्तों ये, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही चिकनी डोर है दोस्तों। और दोस्तों मेरे जो रिज़ल्ट रहा इसके, वो मैंने बताया 24 पेज काटे हमने बिना रुके, बिना खींच मारे, फंसा के लड़ाए पेज। और जब ये डोर निकलती है ना दोस्तों, भाई साहब सुर सुर की आवाज़ आती है, क्यों, इतनी चिकनी डोर है ना, इसको मतलब इसकी काट पाना, मतलब डोर कटती कब है, जब आपकी डोर में कुछ गांठ या कुछ ऊपर नीचे जहाँ पे स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चिकनी डोर आपको फंसा के काट देती है। भाई इस डोर में अभी तक जितनी मैं उड़ा चुका हूँ ना, एक जैसी डोर, कहते हैं ना कि एक, मतलब कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस सुताई भाई साहब, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि भाई कहीं पतली कहीं मोटी, भाई एक ही, कहते ना इक्वलेंट भाई साहब, इक्वलेंट। और इसकी शार्पनेस दोस्तों, थोड़ी सी डोर निकाली है, ये देखिए लच्छे देखिए इसके, मेहंदी कलर है, थोड़ा सा फोकस में, हाँ देखिए अब आया फोकस, ये हो गया फोकस। मैं आपको सिंगल दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही बारीक डोर जो लच्छी होती है हमारी, और इतनी स्मूथनेस ना, मतलब आप इस डोर को जब ऐसे करेंगे ना, अरे भाई साहब ले आया कि, मतलब कहते हैं ना कि यार बस इतने सिल्क के, सिल्क होता है ना, सिल्क, सिल्क के कपड़े पे हाथ फेरते तो कितना मुलायम मुलायम, ओए होए भाई साहब इतना मुलायम। पर दोस्तों स्मूथनेस के अंदर शार्पनेस को मत भूलना, शार्पनेस पर चलती जब आप इसके उड़ा रहे होते हो भाई साहब, साथ में जब जल रहा होता है ना, हाथ में निकल रही सुरसुर करते हुए, भाई साहब हाथ को गर्म कर देती है और हाथ में से काटती हुई जाती है ना, क्या ही बोलूँ, इतनी जब, मतलब स्मूथनेस तो बहुत ही प्यारी, मतलब सिल्क, पर शार्पनेस भी एक नंबर की। और ये होता है एक्सपीरियंस पुराने मेकरों का,
बहुत ही पुराने मेकर है जाफरी भाई, और वो एक्सपीरियंस इनकी डोर में, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप इस डोर को ना, अरे भाई साहब, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, मज़ा ही आ जाए यार। मतलब बार बार करने का मन करे, ऐसा ना कि एक होता ना कि सिल के बड़े पे वैसे हाथ फेरते, तो वैसे आप फेरते रहिए। और दोस्तों वैसे मैं किसी मांझे का किसी मांझे से कंपैरिजन नहीं करता, बट अगर आप लोगों ने जैसे 11925 या 11926 यूज़ किया है ना, जो उसमें स्मूथनेस है ना, इक्वलेंट स्मूथनेस लगाऊंगा मैं, ये नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई बिल्कुल वैसी मज़ेदार स्मूथनेस है इस मांझे के अंदर। और कहते ना कि भाई साहब, कहते ना जहर मांझा, जहर चिकना मांझा। और पेच सुनो दोस्तों, सब फंसा के लड़ाए, अब इतना चिकना मांझा है भाई, रुकने का नाम लेता नहीं है। कटेगा तब ना जब कहीं फंसेगा। अब भाई इसमें जब मैं हाथ, जब मेरा हाथ नहीं रुक रहा, तो दूसरी डोर कहाँ पे अटक के काटेगी इसको। भाई कंटिन्यूसली डोर चली, 10 10 12 12 सेकेंडों के अंदर भाई पेच काट के दे रहे। जिनको फंसा के लड़ाना हो ना भाई साहब, इस ऐसी डोर को पक्का ट्राई करो दोस्तों, इतना मज़ा आएगा ना आपको। क्योंकि भाई ये तो खींच के हिसाब से काम कर रही है, मतलब सेकेंडों में काम कर रही थी। क्योंकि भाई दूसरे लोग उड़ाते हैं क्या खुदरा मांझा सस्ते के चक्कर में, लेकिन आपका भाई तो पता ना सब बढ़िया चीज़ उड़ाता हूँ। सस्ता ये भी है लेकिन क्वालिटी है, और भाई इस क्वालिटी के स्मूथ चिकने बन की बात ही अलग है। तो भाई सब फंसा के लड़ाए, एक भी खींच का ट्राई नहीं किया, क्योंकि खींच का तो सबको पता है कि आप खींच मार सकते हो। और दोस्तों ये मांझे बनते हैं लॉन्ग रेंज के लिए, यकीन मानिए दोस्तों, आप 1200 1500 मतलब मीटर पे पतंग टांग दो अपनी, और इन मांझों से पेच चढ़ाओगे ना, तो अगली पतंग इस चीज़ को काटने में ना, मतलब कहीं ना कहीं टाइम लेगी, बिकॉज इतनी बढ़िया डोर है ना, इतना चिकना बना है, तो निकलती हुई जाएगी। कह रहा हूँ कि जैसे मैंने ट्राई करता 3 दिन से, एक चीज़ करता, जब पतंग पे पतंग भिड़ के चलती थी, और जब चक्कर लेके, तो डोर में सुर सुर की आवाज़, मतलब जब चरखी से निकलती ना, सुर 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 से ऐसी आती थी आवाज़, इतनी ज़बरदस्त डोर चलती है, जबरदस्त डोर पीती है पतंग भी, क्यों चिकनापन बहुत है भाई, निकलती ही जाती है, रुकती नहीं है बिल्कुल भी। वो मज़ा आया था इसके अंदर। तो दोस्तों छोटे रेंज तो लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन आपकी लंबी रेंज के लिए बेहतरीन चिकना डो चिकनी डोर है ये, बेहतरीन चिकनी डोर मैं बता रहा हूँ। मैंने चिकनी डोरें बहुत यूज़ करी है, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट चिकनी डोर है ये भी। जैसे मैंने जयराम भी यूज़ किया भाई, मतलब कहते हैं ना मेकरों के हाथों में जादू है, इतना चिकनापन कि बंदा बैठ के फिसल जाए, स्लिप हो जाए। कहते हैं वो सीसा खेलते हैं तो नीचे स्लाइड करते आते हैं, रुकते नहीं हैं, वैसी डोर है भाई, बिल्कुल हाथ लगाओ तो हाथ रुकता नहीं, बिल्कुल यूँ जाता है इसके अंदर से, और बेहतरीन रिजल्ट। और दोस्तों मैंने आपको बताया वीडियो में कि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट कीमती, कहते ना कीमती, डबल कोट बल खुला लच्छी मांझा, और इसका प्राइस मात्र 1800 रुपये। जाफरी भाई का कहना है कि देखो यार, चीज़ अच्छी बन जाती है, अच्छी क्वालिटी है, और सबसे बड़ी बात, ये डोर आप चाहे पहले दिन से लड़ाइए, चाहे आप इसको लड़ाइए 4 साल के बाद, ये डोर ख़राब नहीं होगी। जाफरी भाई कोई ऐसे मसाले केमिकल यूज़ नहीं करते जिनसे डोर 6 से 8 महीने में ख़राब हो जाए, ये उनकी गारंटी है। कि इस डोर को आप रख के लड़ाइए, कोई टेंशन नहीं है, डे फर्स्ट से लड़ाइए, कोई टेंशन नहीं है, ख़राब नहीं होगी। अगर आपकी डोर टूटती है तो आप इसको रख दीजिए, बट ख़राब नहीं है। आप 4 साल के बाद भी निकालेंगे ना, तो बेहतरीन निकल के आएगी। बट ये है कि हाँ, आपको टाइम टू टाइम धूप दिखानी है, पता चला आपने रख दी नमी के अंदर, डोर ख़राब होगी। फिर बोल रहे भाई, जाफरी भाई ने कहा था 4 साल 5 साल बाद भी चला सकते हो, ऐसा नहीं भाई, डोर को थोड़ा तो टेक केयर तो करना पड़ता है। तो दोस्तों जिस वीडियो का, जिस मांझे का हमने रिव्यू किया ना, ये मांझा लॉन्ग रेंज के लिए, फंसा के लड़ाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मांझा। जो लोग शौकीन है कि भैया लंबे पेच और फंसा के, चाहे वो छत के हो चाहे वो मैदान के हो, वो इस मांझे को मस्ट ट्राई करें। और चिकनापन देखना हो तो भाई इस डोर को हाथ में लेके देखिए। और जिस भाई ने भी ये डोर यूज़ करी है, मुझे काइंडली पिंग करो और अपना रिव्यू दो, बिकॉज ये रिव्यू भाई बहुत, मतलब बेहतरीन डोर का रिव्यू है। मैंने बहुत पतंगे टेस्ट करता हूँ, मतलब मांझे तो मैं खींच के बहुत लगाता हूँ, लेकिन इसको आने के बाद बोला भाई एक भी खींच के पेच लगाऊंगा, इन सब फंसा के, और ज़बरदस्त रिजल्ट दिया भाई, फंसा के बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बाकी दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कुछ भी हो आपके पास रिव्यू करने के लिए तो मेरे साथ शेयर करना है दोस्तों। बाकी अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।